आइए दोस्तों, हम आपको यहाँ दिखाते हैं। 200 फीट चापाकल है और इससे पानी नहीं उठा रहा है, यानी जून जुलाई अगस्त 3 महीना ये हमारा पानी नहीं उठाता है मोटर। तो हम क्या करते हैं, कौन सा उपाय करते हैं जिससे कि मोटर पानी हमारा गर्मी में उठा सके। तो ये देखिए कनेक्शन है, ये 200 फीट चापाकल है और इससे हमारा पानी नहीं आ रहा है, और इधर जो है ये कितना फीट है और कैसे पानी उठाता है, ये सारा चीज़ जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोगों को मैं समझा पाऊँगा कि कौन से कनेक्शन से हमारा गर्मी में जो है पानी उठाता है मोटर, और कौन से कनेक्शन से हमारा पानी जो है नहीं उठा पाता है, यानी 200 फीट चापाकल से पानी नहीं उठा रहा है और किस चापाकल से पानी हमारा उठा रहा है। तो हर MHT रोजगार सेवा में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम आशीष कुमार। तो चलते हैं वीडियो दिखाते हैं आपको। ये है चापाकल और ये है 200 फीट चापाकल, यहाँ पे आपको दिख रहा है चेक बॉल लगा हुआ है, MTA लगा हुआ है और यहाँ दो बॉल वाल लगा हुआ है। ये जो बॉल वाला है 40 फीट चापाकल हला हुआ है, और इधर वाला है जो इधर गया है और यूनियन लगा के MTA में टी मार के हमने इधर लाया है और बॉल वाल दिया है, और 200 फीट में इसको हमने मिलाया है, यानी ये जो है अभी नहीं उठा रहा है पानी, तो इसको हमने बंद कर दिया और ये 40 फीट का जो है ये हमारा पानी जो है उठा रहा है। ठीक है, तो अभी इसको बंद कर देते हैं और इसको हम खोलते हैं, तो ये 200 फीट से हो जाता है, तो ये हमारा पानी अभी नहीं उठा रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है, जून जुलाई अगस्त तक पानी नहीं उठाएगा। और 40 फीट को हम खोल देते हैं और ये हमारा 3 महीने तक पानी उठाएगा मोटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये पुराना मोटर है और बहुत दिन हो गया, ऐसे कनेक्शन हमने यहाँ किया है। तो 40 फीट पहले इस मकान में कल था, वहाँ हमने पॉइंट ला के छोड़ा था, इसलिए हमने यहाँ 40 फीट वाले कल में ज्वाइंट किया है, यानी गर्मी के मौसम में 40 फीट जो कल है इसका लेयर नहीं जाता है नीचे और 100-200 फीट का चला जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।